हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम बात करेंगे पैन इंडिया सुपरस्टार लोचन के मच वेटेड फिल्म यानी पुष्पा दी राज पार्ट। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पुष्पा के क्लाइमेक्स कंट्रोवर्सी के बारे में, जो कि ज्यादातर लोगों को ये चीज हजम नहीं हुआ। तो दोस्तों, कंट्रोवर्सी टॉपिक में आने से पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। और मैंने कल एक वीडियो बनाया था जहाँ पे कि सूरज कुमार ने जो है पुष्पा मूवी का रिव्यू किया था, एंड मैंने उनको ऑनेस्ट एक रिप्लाई करते हुए जो एक वीडियो बनाया, और बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखी भी है, अप्रिशिएट भी किया, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैं ज्यादातर ये चीजें जो है कवर कर चुका। तो दोस्तों, अभी जो एक्चुअल प्रॉब्लम है पुष्पा के क्लाइमेक्स को लेके, मतलब उनको वो क्लाइमेक्स हजम नहीं हो रहा है। वो लोग चाह रहे थे कि फहद फाजिल एंड अल्लू अर्जुन का जो एक क्लैश हमें देखने को मिले, क्लैश ऑफ हमें देखने को, लेकिन वो सभी चीजें उनको नहीं देखने को मिला है जो कि वो लोग देखना चाहते थे। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, आपको मूवी के बारे में थोड़ा तो पता ही होगा, थोड़ा तो रिसर्च किया ही होगा। अगर आपने किया है तो आपको ये तो जरूर से पता हो कि जब इस मूवी का अनाउंसमेंट हुआ था, तब आपको पता था कि ये फिल्म जो अल्लू अर्जुन करने वाले हैं, एंड वो फिल्म उस टाइम पे जस्ट वन पार्ट के अंदर आ रहा था, तब वो कोई पैन इंडिया लेवल नहीं था। लेकिन अल्लू अर्जुन के स्टारडम को देखते हुए और इस फिल्म के जो एक डेप्थ और जो स्टोरी को देखते हुए, जो बड़ा स्टोरी वो बना रहे थे सुकुमार सर, उसको देखते हुए एंड हाइप को देखते हुए इस फिल्म को जो दो पार्ट पे रिलीज करने का प्लानिंग किया, और इस फिल्म को जो एक पैन इंडिया लेवल पे यहाँ पे लेके आया। और जब ये फिल्म दो पार्ट में डिवाइडेड हुआ, तब आपको पता था कि पहले पार्ट के अंदर कौन से विलन रहने वाले हैं, पहले पार्ट के अंदर कौन से कैरेक्टर रहने, और दूसरे पार्ट के अंदर कौन से कैरेक्टर को ऐड करने वाले। पहले पार्ट के अंदर विलन के तौर पे आपको सुनील और धनंजय नजर आएंगे, और नेगेटिव शेल पे यानी विलन के तौर पे आपको अल्लू अर्जुन भी नजर आने वाले, और सेकंड पार्ट के अंदर आपको मैन विलन के तौर पे नजर आने वाले फहद फाजिल। मतलब फर्स्ट पार्ट के अंदर नेगेटिव शील में, नेगेटिव कैरेक्टर में अल्लू अर्जुन ही नजर आएंगे, एंड वो जाके सेकंड पार्ट के अंदर वो टेक ऑफ करेंगे फहद फाजिल को, एंड फहद फाजिल बनेंगे मेन विलन। मतलब सेकंड पार्ट के लिए जो है फहद फाजिल को हाईलाइट करके यानी हाइप करके रख, जो कि ये जो पॉइंट है बहुत पहले ही क्लियर कर दिया गया। तो अगर आप उसके बाद भी ये कहते हो अल्लू अर्जुन और फहद फाजिल का क्लैश ऑफ क्यों नहीं दिखाया गया, तो ये बातें बेतु की बातें होगी, क्योंकि इस बात का कोई मतलब नहीं निकल। मेकर्स ने साफ साफ ये बात कही थी कि मेन विलेन हमारा फहद फाजिल है, और इसको हम सेकेंड पार्ट के लिए रखेंगे, क्योंकि सेकेंड पार्ट के अंदर यही जो हमारा मेन विलेन है, और इस बंदे को हम सेकेंड पार्ट के लिए बचा के रख रहे हैं। तो अगर इसको फर्स्ट पार्ट के अंदर ही खर्च कर देंगे तो कैसे चलेगा। तो अगर आप समझ रहे हो तो ये बात तो बिल्कुल भी नहीं कहना कि क्यों क्लैश ऑफ नहीं हुआ, जितना भी दिखाए गए एक हाइप करके यहाँ पे छोड़। सेकंड पार्ट के अंदर फहद फाजिल कैसे उस नेगेटिव शील को जो अपने आप लेते हैं और अल्लू अर्जुन की बैंड बजा, वो कैसे द विलन बनते हैं, वो आपको सेकंड पार्ट के अंदर नजर आए। हाँ, आप ये कह सकते हो कि जो हाइप छोड़ना चाहिए था सेकंड पार्ट के लिए, वो हाइप थोड़ा सा छोड़ने में असफल रहा है पुष्पा के मेकर्स। लेकिन आपको ये बात भी मानना होगा, जब फिल्म स्टार्ट हुआ एंड जब तक एंड नहीं हुआ था, जब तक फहद फाजिल की एंट्री नहीं होती, क्या तब तक आपको फहद फाजिल की कमी महसूस हुई? किसी भी स्टार्स की ऐसी परफॉर्मेंस थी जिसके वजह से आपको नहीं लग रहा था कि हाँ मेन विलेन नहीं आया है, या फिर कुछ ऐसी कमी है जो कि देखने को मिल रहे, ऐसा लगा एक बार भी लगा कि फहद फाजिल की एंट्री क्यों नहीं हुई, फहद फाजिल होते तो और मजा आता, ऐसा आपको 1% भी लगा? दिल पे हाथ रख के एकदम सच्ची सच्ची बात बोलना कि आपको लगा, नहीं लगा ना, क्योंकि स्टार की परफॉर्मेंस ऐसी फार लेवल की थी कि उनकी कमी महसूस नहीं होने। और उस तरीके से सुकुमार सर ने सभी कैरेक्टर्स को डेवलप किया है, जिससे कि जिस कैरेक्टर का जहां पे जरूरत है उसको वहीं पे इस्तेमाल किया जा सके। तो ये बातें थोड़ा समझो। और जिनको इस फिल्म के बारे में ABCD किसी भी एंगल में कुछ भी नहीं पता था, डायरेक्ट फिल्म देखने के लिए उनको तो कुछ भी नहीं पता था कौन फहद फाजिल, कौन मेन विलेन, उनको तो घंटा भी पता नहीं चला कि इस फिल्म का जो मेन विलेन है अभी तक आया ही नहीं, तो सोचो किस लेवल का परफॉर्मेंस था, किस लेवल एंगेजिंग फिल्म। ये तो बिल्कुल भी ना हो कि फिल्म एंगेजिंग नहीं है। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि लास्ट का जो क्लाइमेक्स है उसको थोड़ा सा ठंडा छोड़। यहाँ पे मेकर्स की थोड़ा स्मार्टनेस आपको देखना, जहाँ पे KGF चैप्टर 1 के अंदर रॉकी भाई ने गरुड़ा को मार दिया, एंड उसके बाद जो अधीरा का एक हाइप अभी भी चल रहा है जिसको कि सेकंड पार्ट के अंदर वो दिखाए, लेकिन पुष्पा के अंदर उनके मेन विलन को पहले ही एंट्री करवा दिया गया, तो उसके बाद उनके थोड़ा स्मार्टनेस को देखो, वो कैसे उस चीज को बिल्डअप, ना उन्होंने हीरो और विलन को लड़वाया, ना उन्होंने अपने मेन विलन को छुपा के रखा, उन्होंने इन दोनों को सामने भी लाके खड़ा किया, ऐसे कॉन्वर्सेशन किया और लास्ट में इस तरीके से छोड़ा, उसका चालाकी भी आपको थोड़ा देखना होगा, वो भी स्मार्टनेस से उन्होंने जो है इस चीज को किया है कि कोई भी फाइट नहीं, कुछ भी नहीं, उन दोनों का क्लैश ऑफ भी कर दिया। मतलब एक तरीके से सेकंड पार्ट का उन्होंने प्रमोशन भी किया और लास्ट में दोनों का फाइट भी नहीं करवाया और सेकंड पार्ट के लिए हाइप भी छोड़ा। तो ये भी थोड़ा स्मार्टनेस देखना होगा कि उन्होंने किस तरीके का स्मार्टनेस यहाँ पे प्ले, ये भी थोड़ा चीज आपको समझना होगा, ना कि चरना होगा कि क्लाइमेक्स के अंदर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कैसे तुच्चा क्लाइमेक्स हो गया। तो भाई सूरज कुमार, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, अगर इतना ही बुराई निकाले हो तो थोड़ा सा तो पॉजिटिव पॉइंट दिखा दे। अगर आप 1% भी इस फिल्म का थोड़ा सा तारीफ कर दे तो मैं समझता कि हाँ भाई आप रियल चीजें बोल रहे हो, लेकिन नहीं, आपने कोई भी ऐसा चीज नहीं कहा, जस्ट नेगेटिविटी और जस्ट नेगेटिविटी। क्यों भाई क्यों? फिल्म थोड़ा लंबा हो गया, उसके अंदर आपको रोमांस
अच्छा नहीं लगा, बस इसीलिए आपने इस फिल्म को गंदा बोल दिया और क्लाइमेक्स में थोड़ा ऐसा कर दिया, थोड़ा सा टर्न दिख। एक नया स्टोरी है, अल्लू अर्जुन ने इस तरीके से परफॉर्मेंस दिया है, कितना कहर वाला गाना है फिल्म के अंदर, कैसा मास एक्शन है, क्या डायलॉग्स डिलीवरी है, क्या कॉमेडी है, क्या फ्लेवर है, आपने उसके बारे में एक बार भी नहीं बात किया। ये बातें बहुत गलत है एंड मैंने सूरज कुमार का डेडिकेटेड एक ऑनेस्ट रिव्यू मैंने वहाँ पे किया है, आई बटन पे यहाँ पे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। आपको क्या लगता है मैंने जो चीज़ें कहा है इसके बारे में, आपको क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। अगर आपको मेरा बात या फिर एक पर्सन भी आपको मैंने जितने भी पॉइंट कहा है अगर आपको वैल्यूबल लगता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं वैल्यूबल वीडियो बनाता हूँ और फ्यूचर में भी बना सकता हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से दबाइएगा क्योंकि तभी आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिलेंगे। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।